आप होस्ट हैं? जी सर ठीक है, रिकॉर्डिंग करने स्टेटस वाले। देखा ग्रुप में? अच्छा चलो, अब ये देखें ये वैल्यूज रख रहे हैं। वाई फोर की वैल्यू टेबल में मैंने जीरो देखी थी। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू -2 देखी थी। उसके बाद आगे सेकंड डिफरेंस वाई फोर हमने -3 देखी थी। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस वाई फोर -5 देखी थी। फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस वाई फोर -11 देखी थी। ये सारी वैल्यूज मैंने पीछे लिखी हैं, यहां से लेके यहां तक का पेज जो है ना वो हमारा पिछला ही है। ये अब यहाँ पे वैल्यूज रख रही थी हम। ये के की वैल्यू वाई, इसकी वैल्यू वाई फोर की 0 रख दी, और ये के की वैल्यू जो है वो हमने रख दी, और यहाँ तक हमने वैल्यूज रखी हैं, इधर तक वैल्यूज रखी हैं। अब हम ये करें कि इसे सिंप्लीफाई करें। -2, इससे आगे आपको करना चाहिए -2 एक्स -6, और ये -3/2, और फिर उसके बाद ये 2 फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद ये 3 फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन। 3 फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस हो गई थी ना, जी सर। -5/6 बताए हुई थी या नहीं? हाँ जी सर, कर ली थी लास्ट जब फर्स्ट हाँ जी सॉल्व हाँ किया जी, ये था। उसी के जी। देखिए ये सवाल जो है ना, अब इससे हम अगला स्टेप पढ़ना चाहूंगा मैं। ये सवाल आपको मुकम्मल जो है ये घर पे करना, ठीक है ना? ठीक है सर ये सर। साफ नजर नहीं आ रहा, कहाँ से नजर नहीं आ रहा बताओ, कौन सी चीज नजर नहीं आ रही? कुछ भी नहीं साफ नजर आ रहा, बड़ी धुंधला धुंधला सा है सारा, कुछ अच्छा तो सही नहीं हो रहा नजर अच्छा नहीं आता। एक मिनट जी, जी एक मिनट, सर। वो सिग्नल मेकर डाउन हो रहे होंगे अगर आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? जरा इसकी पिक्चर जी सेंड सर, करना जो जो आपको मुश्किल में डाल रही है। ये मिनट सर, पिक्चर ये आप, हाँ कोई बात नहीं जी, वो आप अब आगे हैं सामने तो वो नजर नहीं आ रहा। एक मिनट जी मैं अब दोबारा आता हूँ। सामने से क्या मुराद है कि मैं सामने आ गया हूँ? ये सर आगे वो पेपर नजर आ रहा था ना, आपकी पिक नहीं नजर आ रही थी, अब आपकी तस्वीर नजर आ रही, वो नहीं नजर आ रहा। वो सर जब वीडियो स्टॉप अब करेंगे तो बताएं। पिक ही नजर आएगी। हाँ वो तो पिक नजर आ रही ना हाँ जी वहां सर, पे, जब वो वीडियो मैं दूसरी दिन चला गया था व्हाट्सएप पे चला गया था ना, कि मैं आपका इंतजार करने के लिए, पिक करने के लिए, पिक का। सर वो मैं कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे सेंड। सिर्फ एक मिनट, एक मिनट, ये बताएं कि व्हाट्सएप पे ये पेज नंबर 11 आया हुआ है? जरा देखो पेज नंबर 11 आया हुआ है एक आपके मिनट पास सर, और पढ़ा जा रहा है? ये इसका आंसर बताएं जरा जल्दी से। जी सर 11 पेज नंबर आया, उधर से पढ़ा जा रहा है वैसे। पढ़ा जा रहा है ना, जी यस सर या नो में जवाब दें, डाउटफुल में नहीं जवाब जी दिया जी करते। जी सर, यस पढ़ा सर, जा पढ़ा रहा है, साफ है। जा रहा है ना, हाँ जी सर, यस आखिरी सर, लाइन देखें। हाँ भाई ये वही है पेज। अब इसकी डिस्कशन क्या करनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने और तमाम चीजें करनी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट टॉपिक सर की तरफ हम आते हैं। तो पेज नंबर हमारा जन है ना, आप देखें जी एक टेबल है हमारे पास, वो टेबल है डिफरेंस टेबल। अब जरा गौर करें कि कमाल करते हैं ये लोग, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ इन लोगों से कि ये वाकई कमाल करते हैं। जो भी जीनियस होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं। इसके अंदर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हमने, आप देखें, पहले हमने सीखा न्यूटन्स फॉरवर्ड, फिर सीखा न्यूटन्स बैकवर्ड। न्यूटन्स फॉरवर्ड में सीखा कि टॉपर वैल्यू के साथ काम करेंगे, उसने वाई नॉट का इंडेक्स शो किया। न्यूटन्स बैकवर्ड में सीखा कि लास्ट वैल्यू पे काम करेंगे, उसने एन का कॉन्सेप्ट दिया। अब जरा इधर देखना, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। पहले हम गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाते हैं। ये पेज नंबर कौन सा होगा जी, पेज नंबर कौन सा होगा? सर 15 लास्ट आपने जो सेंड किया, 14 है। ठीक है जी, 15। ये हमारे पास, ये हमारा, देखते हैं कौन सा टॉपिक बनता है। इसके अंदर देखें जी, इसने कहा कि ये जरा इसको गौर करना, काम मैं वही करूंगा जो अल्गोरिथम में क्या कहते हैं मैं पहले करता हुआ रहा हूँ, पहले दिन से करता हुआ रहा हूँ आपके साथ। क्या काम? कि वाई के कॉलम के साथ 2 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, आज भी वही करेंगे, लेकिन फिर उसके इंडेक्स का सिर्फ आएगा कि इंडेक्स कैसे लगाने, और ये हमें कहाँ ले जाकर मजबूर कर देता है।
बहुत बड़ी बात है, और लेकिन जहां ये मजबूर करता है वहां अल्फाजों को खत्म कर देता है, उसकी जगह जनसा है वो लेकर आता है, लेबर लेकर आता है, और बड़ी कमाल की बात है जी, लेबर लेकर आएगा। अच्छा ये देखें जी, ये 1-2 ये पॉइंट्स हैं, 2-3 ये आपके पास पॉइंट है, 3-0, 4-1। मैं यहाँ पे जरा गौर करना, चूंकि आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें जरा फर्क डालना है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ गास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यह डिफरेंस टेबल है, गास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं है, गास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला नहीं लिखा, टेबल लिखा है। चूंकि जब आप पढ़ लेंगे ना तो हम ज्यादातर गास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ही पढ़ेंगे, जिससे क्या कहते हैं ना, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि टेबल जो है वो खत्म होगी इसकी वैल्यू। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे 3-0, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 1-2, ये 1-2, उसके बाद 2-3 हमारे पास, और 3-0 मेरे पास, 4-1, उसके बाद आगे 5-2 हमारे पास, 5-2 6-4 ये पॉइंट लिखे जी, और 7-1 इनका। इस इंडेक्स को बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे लेबल लगा रहा है, लेकिन ना आप इसको डिस्कस जरा करें, ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले करते थे, ये -3 है और ये दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। करने का तरीकेकार ऑर्डर क्या होगा कि हमेशा जो है एरो से नीचे वाली वैल्यूज को पहले पढ़ेंगे और इस वाली वैल्यूज का जो है माइनस करेंगे, या मैं यूं भी कह सकता हूँ कि इस वाली वैल्यूज को पहले लिखेंगे, इसका साइन तब्दील करके आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -3 +2 -1, फिर 0+, ये प्लस बन जाएगा, 0+3+3। इंडेक्स को हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक, -1, 0-1, -2+1, -1, 4, आगे उसके बाद +2 that is 6, और 1-4 that is -3, उसके बाद ये 3 आपके पास यहाँ पे +4, -1, -3, -4, फिर उसके बाद -1, +1, 0। बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से कर रहा था, पहले दिन यही समझाया था मैंने आपको 6+1, क्योंकि 40% आपका जो है वो सिलेबस इसी पर है, 6+1 7, और मजे की बात है कि इसके अंदर से सवाल लाजमी ही आता है, यानी ये नहीं कि सवाल ही नहीं आता। उसके बाद ये हमारे पास आता है इसमें -3, -6, -9, अब -4, -4, -8, 0+4+4, 7-0, 7-9, -7, -16, आगे हमारे पास क्या कहते हैं ये 4+8 12, 7-4 3, -16, -7, -23, 23 आपके पास होगा। अब यहाँ पर 3-12 -9, -23, -3, -26, -26 +9, और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं -17, ये हमारे पास आएगा। तो ये टेबल बन गया। अब इस टेबल में अगर ये कहता है कि जी आपने गास फॉरवर्ड को डिस्कस करना है, ये हमें बताएगा एग्जाम में कि आपने गास फॉरवर्ड को डिस्कस करना है या न्यूटन फॉरवर्ड को करना है। देखिए न्यूटन फॉरवर्ड और है, गास फॉरवर्ड और है, या हमारे पास क्या कहते हैं न्यूटन फॉरवर्ड करना है। न्यूटन का ना नाम दूसरा भी है, न्यूटन ग्रेगरी, इसका नाम न्यूटन ग्रेगरी भी है, वो भी जी से शुरू होता है। इसके साथ न्यूटन लफ्ज नहीं आता गास फॉरवर्ड के साथ। अच्छा अब इसके अंदर अगर उसने कहा कि गास फॉरवर्ड से करना है, तो आपने बिल्कुल वैसे टेबल बना देना है, और इंडेक्स कैसे लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड में हर कॉलम वाई नॉट से स्टार्ट है, न्यूटन बैकवर्ड में हर कॉलम नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट है, और जबकि यहां पर आपके पास क्या कहते हैं इसमें क्या सूरत हाल है। सबसे पहले ना इसके अंदर दो केसेस हैं, जरा इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें कि न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक केस था, सिर्फ और सिर्फ एक केस था जो कि ऑड था, यानी ऑड वैल्यूज, यानी 5 पॉइंट दिए जाएंगे और मैंने ज्यादातर काम 5 से किया। उसके बाद 7 दिए, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड में कोई वो नहीं था, यानी न्यूटन फॉरवर्ड में कोई लिमिट नहीं थी, चाहे इवन दे दें चाहे ऑड दे दें। गास फॉरवर्ड में हम जो है दो केसेस है, एक ऑड का और एक इवन का,
हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑड का डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम ऑड का डिस्कस कर रहे हैं, ऑड का हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑड का आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑड में हमारे पास क्या सूरत हाल है कि ऑड में, फिर दोबारा बता देता हूं कि आज जो हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑड का डिस्कस कर रहे हैं, इवन का नहीं। मतलब ये जो टोटल पॉइंट्स हैं ये देखने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक पॉइंट ना मैंने यहाँ लिख दिया था ये 7-1, बाद में मैंने इसको सही किया था, नहीं ये लिखा हुआ 7-1, ये पॉइंट लिखा हुआ 7-1, यानी ये 7-1, 7-1 ये 7 पॉइंट है, ऑड है। 9 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम, 7 पे करेंगे, 19 पर करेंगे, 99 पर करेंगे, हम ऐसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको पॉइंट दिए उनकी तादाद कितनी है, ऑड है, अगर ऑड है तो फिर हम इस तरह डिस्कस करेंगे। इवन हमने आज डिस्कस नहीं करनी और होगी भी नहीं आज के लेक्चर में, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हम ये करेंगे जो ऑड दिया ना, जैसे 7 पॉइंट दे दिए, तो इसका मिड देखना है कि क्या बनता है, कौन सी पोजिशन बनती है, यानी कि आधी वैल्यूज एक साइड पर हो जाए आधी इधर हो जाए, तो वो फोर्थ पोजिशन बनती है, यानी फोर्थ पोजीशन जो है वो सेंटर बनता है। अगर मिसाल के तौर पर जो है वो हमारे पास 19 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, ये 19 बन जाए यहाँ पर, तो 19 के अंदर जो मिड बनेगा वो 11th पोजीशन बन, नहीं सॉरी कौन सी पोजीशन बनेगी जी हमारे पास, इसके 9th पोजीशन, नहीं नहीं 9th पोजीशन नहीं बनेगी हमारे पास, जी नहीं नहीं आधी इधर करनी है आधी उधर करनी है हमने, तो कौन कौन सी हमारे पास, हाँ 10th पोजीशन बनेगी, बिल्कुल सही कह रहे, 10th पोजीशन बनेगी। तो हमारे पास जो जो पोजीशन बनेगी उसी का नाम एक्स नॉट होगा, जो सेंटर वाली बनेगी, यानी कि हमारे पास जैसा 21 है, 21 में कौन सी पोजीशन बनेगी जी हमारी सेंटर की, 11, जी 11 हमारे पास बनेगी। तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी बनेगी ना उसके ऊपर कुछ भी लिखा हो वही हमारा एक्स नॉट होगा, यानी क्या मतलब, अब देखना ये 7 पॉइंट थे, ये 7 पॉइंट यहाँ तक 7-1 लिखा हुआ यहाँ तक है, 7 पॉइंट में 3 यानी हमारी फोर्थ पोजीशन बनती है, तो ये देखें एक्स नॉट 4, एक्स नॉट ये फोर्थ पोजीशन है, 1 फर्स्ट पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन। अब यहाँ पे चाहे डिस्टेंस यहाँ पे 2 लिखा होता है, इधर 4 लिखा होता है, इधर 6 लिखा होता है, इधर 8 लिखा होता है, इधर 10, इधर 12 और इधर 14, तो आप यहाँ पर भी क्या कहते हैं ना, वहां पर वही पोजीशन जो भी लिखा हुआ है उसका नाम एक्स नॉट होता, एक्स नॉट हमारे पास होता, और उसके बाद यहाँ पे वाई नॉट हमारे पास होगा, वाई नॉट, एक्स नॉट और वाई नॉट। तो एक्स नॉट यहाँ पे, एक्स नॉट सेंटर वाली पोजीशन को हम जो है ना, जो सेंटर में आएगी ऑड वैल्यू में, जो कि आज हम इवन नहीं डिस्कस कर रहे, तो ये हमारे पास उसका नाम एक्स नॉट वाई नॉट होगा। देखें इसने भी यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स नॉट से नीचे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे, और जो इससे ऊपर होंगे उसे -1, -2 के इंडेक्स के साथ पढ़ेंगे, यानी ये इंडेक्स है, ये पहचान है, ये नाम है, ये नामों पर हम इतराज नहीं करते, यानी कि नाम, और वो ऑपरेटर के साथ इसने नाम रखे, वो भी ये ऑपरेटर है ही नहीं, ये तो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारे पास। जरा गौर करना कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ना आप मुझे मैसेज करें, जरा गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि भाई मैं कहता हूँ लिखना जी 2+2 व्हाट्सएप लिख करना है मिसाल के तौर पर, या आपका मैसेंजर है, चलिए व्हाट्सएप ही कर लेते हैं, 2+2 = 8 आप कहें वो लिखेगा, 2+2 = 8 लिखेगा, जबकि आपको भी पता है 2+2 जो है वो 4 होता है, क्योंकि वो लिखता है इंडेक्स, मैसेज, मैसेज करता है, उसकी नजर में प्लस कोई हैसियत नहीं रखता, वो तो एक जौन सा है नोटेशन है, एक उसकी नजर के अंदर अलामत है, एक जौन सा है उसका मफहूम आपके पास होगा कि क्या मतलब दिया जाता है प्लस का, उसकी नजर में तो सिर्फ ये है कि ये जो है 2+2 कहा गया और इसको मैं पहचानूं कि ये 8 है, जबकि यही काम आप दूसरी तरफ करें कैलकुलेटर पर 2+2 लिखें, वहां पे देखना वो फॉर्म पहचान लेगा कि ये 4 कहना चाह रहे हैं, आप वहां 8 नहीं लिख सकते, मैं उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर कोई सा भी कैलकुलेटर उठा ले 2+2 लिखे वो 4 कहेगा, जबकि व्हाट्सएप 8 कहने को तैयार है,
मैसेज का जो मैसेंजर आपके पास यूज कर रहे हैं वो भी 8 कहने को तैयार है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि वो है इंडेक्स के ऊपर काम करने वाले, व्हाट्सएप और मैसेंजर, वो कहते हैं कि ये हमें नहीं पता कि इसका मफहूम क्या है कि 2+2, बस आपने कहा प्लस टू कर दो, अब वो जनाल मैंने कर दिया और इसका मफहूम आपके पास होगा, आप इसको क्या समझते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। सेम -1 x-1 का नाम, मैं इस पोजीशन का नाम रख रहा हूँ, इस तरह करते हैं इनको जो है ना हम छुपा लेते हैं, एक मिनट, ये एक्चुअल ना इस स्पेस का नाम है x-3, यहाँ पे आप 1 समझे रेस कर दिया, मैंने 1 रेस कर दिया, इस पोजीशन का नाम, इस जगह का नाम -3 है। इसी तरह ये 2 जो है इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसका नाम जो है इस पोजीशन का नाम x-2 है, x-2 इसका नाम नहीं है बल्कि इस पोजीशन का नाम है, जरा बात गौर से समझे। बहरहाल तो लिहाजा अच्छा अब हम आते हैं कि जो इंडेक्स यहाँ पे लगेंगे वही, अब ये -3 आया यहाँ लास्ट, जो यहाँ आ गया ना हर कॉलम गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस में वहीं से शुरू होगा जहां से उसका इंडेक्स खत्म हुआ, यहाँ y-3 से खत्म हुआ। अब देखें यहाँ -3 फिर -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इसके अंदर एक एक ऐड करके इंडेक्स लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद अब ये देखें ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-3 हमारे पास होगा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं -3 और -2 और -1 ये लिखा। अब देखें ये भी -3 से स्टार्ट हुआ, ये भी -3 से, काम तो हमने वही किया था -3 +2 -1 0 +3 +3 -1 -0 अभी भी है, लेकिन कॉलम के इंडेक्स हमने चेंज किया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमें एक खास पोजीशन पर लेकर जाना है। तो अच्छा चलें, और वो पोजीशंस के नाम रख रहा है, वो उसके नाम नहीं रख रहा, आप इस -1 को खत्म करें, यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 आपके पास क्या कहते हैं इस पोजीशन का नाम है जहां पे मेरा थंब है, और थंब के नीचे जो मैं चाहूं तो यहाँ 9 लिख दूं तो ये इस पोजीशन का नाम होगा, फिलहाल नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ऑपरेटर और कानून के पाबंद हैं। उसके बाद फिर ये देखें ये सेकंड डिफरेंस है, अब ये -3 से स्टार्ट था, अब हर जगह -3 से स्टार्ट होगा, सेकंड डिफरेंस y-3 -2 -1 0 और 1। उसके बाद यहाँ पर एक एक इंडेक्स जो है वो कम करते जाएंगे। अब ये थर्ड डिफरेंस है, ये -3 आया, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें -2 -1 0, अब फिर दोबारा, अब ये फोर्थ है, अब फोर्थ डिफरेंस भी -3 से स्टार्ट होगा, -2 से, फोर डिफरेंस y-1 ये -23, फिफ्थ हमारे पास है इसके अंदर ये -9 आया, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं -26 आया, फिर सिक्स डिफरेंस -17 आया हमारे पास। मकसद ये है कि आप इस इंडेक्स को याद रखें, उम्मीद है कि आपको इंडेक्स लगाने आ गए होंगे, इसमें और कोई चीज नई चीज नहीं, अगर किसी को मसला है तो बता दें। और इस पेज को मैं आपकी तरफ सेंड कर रहा हूँ, पेज नंबर 15। जी सर समझ लग गई सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मैं इसको जो है यहाँ पर करते हैं, अब असल में ना आपका आप बड़े हो गए और माशाल्लाह से मैं हमेशा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं हमेशा क्या कहते हैं बी टेक की इज्जत बहुत करता हूँ, दिल से करता हूँ। क्यों करता हूँ ये भी वजह पूछ लें कि क्यों करता हूँ, क्योंकि आप माशरे को फेस करके आए हुए होते हैं, आप में से मेजॉरिटी, आप जानते हैं कि इज्जत हमने करनी है, टीचर्स की इज्जत करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने अफसरों की इज्जत करनी है, आपने अच्छे बुरे वक्त देखा हुआ है, यानी अच्छा और बुरा वक्त देखा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कदम रखा हुआ है, उसका टेस्ट लिया हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, लिहाजा उसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं ना, और आप फिर समझते हैं कि हमें इज्जत किए बगैर इल्म हासिल नहीं होगा। फिर आप में से जॉब करते हैं, वो भी मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन उसकी वजह से भीख नहीं मांगनी कि पास कर दो, पहले सुन लो वहां पर, यानी कि वहां पर आपने अपनी मेहनत से पास होना है, जहां आप इतनी फाइट करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे आप यहां पर, ऐसे नहीं है कि आप आसानी से पहुंचे, आप उन लोगों में से हैं जो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं और अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं कि हमें अवार्ड अच्छा मिलेगा, ये आप उन लोगों में से शुमार है, तो लिहाजा उनकी इज्जत करनी चाहिए जो बड़े हार्ड वर्कर भी हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हमारे पास, और हम उनके और जैसा पढ़ाए ना, और वो हम उनको सिर्फ यही समझाते रहे कि टीचर की इज्जत करो, टीचर के साथ मजाक नहीं करना, टीचर की जनसा है वो कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो माँ बाप के लिए हम जो है नहीं कर सकते, वही टीचर के लिए, ये तो मेरे लिए लफ्ज ही खत्म हो जाते हैं, यह माशाल्लाह सभी करते हैं, सबको एक दफा ही मुझे कहना पड़ता है कि यार ये काम नहीं करना, ये काम करना है,
नहीं करने पे वो रुक जाते हैं, करने पे वो कर देते हैं। यही चीज जो है ना आपको ऊपर लेकर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें पेज जो है वो मैंने सेंड किया है वो